गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज दिन है शनिवार और जैसा कि पीछे आप बाइक देख कर समझ गए होंगे आज होने क्या वाला है। आज हम लोग अपने बाइक की करेंगे वॉशिंग। पीछे वो कार खड़ी है भाई, अभी उसको वैक्यूम करके आ रहे हैं, इस वजह से इतने पसीने पसीने लथपथ हैं। तो और आज का दिन बड़ा बिजी होने वाला है। कुछ लाइट्स वगैरह हम लोग मंगाए थे, वो लाइट्स हम लोग इस पर अपने ड्यूक पर इंस्टॉल करेंगे। और जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था पेनियर्स और टॉप बॉक्स जो हम लोग बनवाए थे, वो भी आज इसके ड्यूक पर इंस्टॉल होगी। तो दोस्तों, जैसा कि ये बाइक अपनी धुल चुकी है, बाइकर्स बांड की पूरी टीम जो है आज लगी हुई है। अब ये पीछे जो आप देख रहे हैं पूरा माहौल जो चल रहा है, इसमें ये हो रहा है कि अभी हम लोग इसमें जाना का अपना सैडल स्टे है उसको हम फिट करेंगे। उसका यहाँ जो आपको लाइट दिख रही है, ये लाइट हम लोग चेंज करके नई लाइट लाए हैं, वो नई लाइट यहाँ लगाया जाएगा। उसके बाद ये जो हॉर्न है, इस हॉर्न को भी हम लोग चेंज करेंगे। ये 15 वाट की लाइट है, हम लोग ये अपना जो लेग गार्ड है ड्यूक का, इसके ऊपर लगा रहे हैं। इसको लगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि इसमें एक छेद किया ड्रिल मशीन से, और ये नट बोल्ट की सहायता से इसको हम लगा रहे हैं। वायरिंग ऑलरेडी हम लोगों ने की थी 2019 में जब हम लोग गए थे, तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, बस ये लगा कर इस वायर को अपने पुरानी वायरिंग में कनेक्ट कर देना है। ये देखिए अपनी पुरानी वायरिंग जो है लास्ट 2 ईयर वाली, तो अभी इसमें नए जो हम लोग लाइट लगाए हैं, इस वायर को इसमें कनेक्ट कर देंगे। बस लाइट का इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट है। एक लाइट देखिए नीचे हम लोग इंस्टॉल कर दिया है, इसका वायरिंग कनेक्शन भी कर दिया है। और दूसरी लाइट हम लोग जो इंस्टॉल कर रहे हैं, ये अपना रेडिएटर का जो ये बोल्ट था, इस बोल्ट को निकाल कर हम लोग यहाँ पे दूसरा लाइट लगाए हैं। ये देखिए इधर से आपको बोल्ट ये दिख रहा होगा, और इसका जो कनेक्शन है ये पुराना हम लोगों ने कर रखा था, उसी से करना होता है। ड्यूक में अगर आपको अलग से एसेसरीज को इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए अंदर यहाँ पर पॉइंट दिए रहते हैं, आपको अलग से कहीं सर्किट इसको छेड़ना नहीं है, अदरवाइज इसके फ्यूज़ वगैरह बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। तो टैंक अगर आप जब उतारेंगे तो उसके नीचे यहाँ पे 2 पॉइंट दिए रहते हैं 12 बोल्ट के, जो कि आपके इग्निशन से ऑन होते हैं। तो अगर आपको भी कोई एसेसरीज लाइक लाइटिंग या कुछ ऐसा लगवाना है, तो आप उसी से इसका कनेक्शन दें। तो देखिए ये ड्यूक पे अपनी लाइट लग गई है, जो लाइट हम लोगों ने इधर लगाया है, दिन में आपको अभी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, और 2 लाइट हम लोगों ने इधर लगाया है फ्रंट पे, देखिए ऐसा लग रहा है। तो रात में इसको आपको दिखाएंगे कि डेमो में कैसा लग रहा है। तो ये अभी ड्यूक की लाइट लग गई आपने देखा, और अब जो है ये प्रीतेश की जो बाइक है FZ250, इस पर हम लोग लाइट इंस्टॉल करेंगे। और लाइट लगाने के लिए देखिए हम लोगों ने यहाँ निशान बनाए हैं, इसमें हम लोग होल करेंगे ड्रिल मशीन से, और लाइट को जो है वो इस तरीके से नट बोल्ट से हम लोग इंस्टॉल करेंगे। एक यहाँ पर इंस्टॉल होगा और एक यहाँ नीचे होल होगा, तो 2 लाइट इधर लगेगी और सेम इसी पैटर्न पर 2 लाइट जो है उस तरफ लगेगी। बाइक में लाइट को लगाते हुए अविनाश जी बेहद खुश हैं, स्पीति वैली जाने के लिए बहुत ही खुश हैं। अब हमारी बारी आती है FZ250 की, जिसका हम लोग टॉप रैक इंस्टॉल करेंगे, जो कि ये सीट हटाने के बाद होगा। जैसे कि ये सीट यहाँ से खुलता है, अविनाश ने खोला है, इसमें 4 बोल्ट हैं, 4 बोल्ट हैं, इनको खोल के पहले ये जो होते हैं इनको निकाल लेना पड़ता है। हाँ, कि बाइक में अब ये जो पीछे का कैरियर है ये सेल्फ मेड है, खुद के हाथों से बनाया गया है, प्रीतेश ने बनाया है इसको, और अब उसको टाइट कर रहे हैं वहाँ पे। तो
ये बुलेट का लद्दाख कैरियर है, इसकी अनरैपिंग करके हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है। Many tic tacs later. तो भाई लोग ये देखिए, बाइकर वाहन की पूरी टीम लग गई है ये लद्दाख कैरियर लगाने पे। इधर प्रीतेश है, अमित है, अनमोल है, इधर सिद्धांत और अविनाश, पांच पांच लोग ये लद्दाख कैरियर को लगा रहे हैं। यही है यूनिटी, बाइकर्स बॉन्ड की यूनिटी यही है कि सब लोग मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए ये लद्दाख कैरियर हम लोगों ने बुलेट पे इंस्टॉल कर लिया है और इसकी मजबूती आप खुद ही देख सकते हैं कि मैं इस पे खड़ा हूँ, मेरा वेट 60 किलो है और इस तरीके से इंस्टॉल किया गया है कि इस पे लगेज हम लोगों का कम से कम 1 क्विंटल लोड होगा। बुलेट के एक्स्ट्रा लाइट लगाने के लिए और मोबाइल चार्जिंग बनाने के लिए हम लोग जो बैटरी से उसको पॉइंट दे रहे हैं और नीचे केबल टाई से कैसे कैसे कनेक्शन कर रहे हैं। अब देखिए एक ये पेनियस लेफ्ट साइड का इंस्टॉल हो चुका है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इसमें देखिए 4 जो है बोल्ट है और इसको हमने ये जाना सैडल स्टेप, इसमें हम लोगों ने होल कर लिया। तो क्या किया कि इधर से नट डाला और इधर आप देख रहे हैं ये वाला बोल्ट, तो ये अपना इधर दोनों से चारों तरफ से यहाँ से नीचे से और यहाँ से टाइट कर लिया। इससे क्या ये काफ़ी मजबूत फिलहाल तो हो गया है। आप देख सकते हैं ड्यूक के पीछे का जो बॉक्स फिटिंग करना है उसको हम उसके अंदर होल करने जा रहे हैं जिससे वो अच्छे से फिट हो सके ड्यूक पर। ये सेल्फ क्रिएटिव है, ये किसी कंपनी का नहीं है। देखिए ये जो अपना जाना का टॉप रैक है इसके ऊपर हम एक प्लाई का टुकड़ा लिए हैं, साइज़ वही है 15x12 जिस साइज़ का हमारा ये टॉप बॉक्स है आप देख सकते हैं। और इसके अब हम लोग इसमें जो है अपने टॉप बॉक्स में छेद करेंगे और छेद करने से पहले हम इसमें निशान लगा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए अपना निशान लग गया है, अब इसको हम लोग करेंगे होल। हो गया 4:52, सुबह से हम लोग इसमें लगे हैं। अब देखिए इसका जो टॉप बॉक्स है इसका इंस्टॉलेशन हम लोग कर रहे हैं। ये अंदर देखिए जो हम लोगों ने क्लैंप बनाया था, इस क्लैंप में हम लोगों ने 4 होल कराए थे और ये इस होल में हम लोग नट बोल्ट से ये जो जाना की प्लेट है इसके नीचे देखिए यहाँ पर ये टाइट कर रहे हैं तो जिससे कि ये पूरी मजबूती इसकी बनी रहे। हम लोग स्पीति वैली जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके लिए हम लोग को कुछ बेसिक्स चीज़ें होती हैं जिनको हमें पूरा करने की ज़रूरत है। और हम लोग जैसा आप देख सकते हैं स्टैंड ज़रूरी होता है जिसमें हम लोग अपना बैग और कुछ डेली यूज़ के सामान जो इजीली कैरी कर सकें। और आती चीज़ें मार्केट में बहुत सारी वैरायटी के हैं, अपने अपने अलग अलग ब्रांड के आते हैं और आप देखेंगे ये सेल्फ डिज़ाइन किया हुआ है। इसकी कॉस्टिंग जो थी 1200 रुपये की थी, 100 रुपये का क्लेम था, 100 रुपये का हमने पेंट कराया था। और हम लोग जब लास्ट लद्दाख राइड पर गए थे तब ये 2 पेनियर हम लोगों ने बनवाए थे, ये हम लोग को 7-7 रुपये में एक पेनियर पड़ा था, तो 7 × 14 = 1400, 14 × 28 लगभग 3000 रुपये में हम लोगों का ये टॉप बॉक्स और पेनियर जो है पूरा रेडी हो गया। और जबकि अगर हम बात करें ड्यूक कंपनी की, अगर किसी कंपनी का लेना चाहें लगभग आपको कॉस्टिंग जो है 25 से 26 हज़ार रुपये की यही तीनों चीज़ों की। देखिए 25% भी पैसा नहीं लग रहा है वो, थोड़ा चीज़ें रेडी अच्छे लगते हैं और अपने को अच्छे से क्या करना, मजबूत तो यही है, आपने पिछले वीडियो में देखा ही है कि कितना मजबूत है ये। फाइनली हमारी तीनों बाइक रेडी हो चुकी है, कैरियर और टॉप बॉक्स, लाइटें, हॉर्न सारे कुछ इंस्टॉल हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से। और अभी जो भी चीज़ें यहाँ पे लगी हैं सेल्फ सारा कुछ हम लोगों ने मिलकर बाइकर्स बॉन्ड ग्रुप के मेंबर सारा कुछ मिलकर इसमें काम किया गया है। तो इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो किसी मैकेनिक या किसी और चीज़ों को बुला के हम लोगों ने इंस्टॉल किया। और सुबह के 9 बजे से हम लोग लगे थे, फाइनली अब जाके हम लोगों की 4 बाइक रेडी हो चुकी प्रॉपर तरीके से। बाकी चीज़ें जो भी चीज़ें वो नितिन आपको बताते हैं। तो दोस्तों जो ये आज की पूरी मेहनत थी प्रीतेश ने आपको बता ही दिया कि क्या क्या चीज़ें बाइक में इंस्टॉल हुई, कैसे कैसे रेडी हुआ। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने टॉप बॉक्स अपना रेडी कराया था
आज इस वीडियो में देख लिया कि इसको कैसे अगर फिट किया गया है। अब जो आगे आने वाली वीडियो है, ये अपना टेंट हम लोगों ने ऑर्डर किया है, और जो ये टेंट है ये डिकैथलॉन का है, मॉडल नंबर है आर्पिनेज फैमिली 4। तो ये 4 पर्सन का टेंट है। एक और टेंट ऑर्डर किया गया है, वो 3 पर्सन का है। टोटल ग्रुप में जो है 7 लोग जा रहे हैं स्पीति राइड पे, तो 7 लोगों की ये टेंट की व्यवस्था है। इसके साथ साथ ये अपना मैट्रेसेस है, एयर मैट्रेसेस है, और इन सब सारी चीज़ों की अनबॉक्सिंग और इसका एक रिव्यू जो है आपको आगे आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये उसका है फुट पैम्प, जिससे कि इसमें हवा को भरा जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, और आगे अपनी राइड जो होने वाली, स्पीति राइड होने वाली है, उस एडवेंचर से भरी राइड को देखने के लिए और अच्छे कंटेंट देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर मेहनत हम लोग की आपको अच्छी लगती है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ओके दोस्त, थैंक यू वेरी मच। 3:28 AM। तो दोस्तों, आज दिन भर हम लोगों ने अपने सभी बाइकों पे लाइट वगैरह लगाई है, तो ये टाइम है एक छोटा सा डेमो देने के लिए। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये आपका बिल्कुल डार्क है, कोई हेडलाइट नहीं जल रही है, ना ही हमने जो फॉग लैंप लगाया वो जल रहा है। तो अभी आपको हम दिखाते हैं कि ये सामने जो आप हेडलाइट देख रहे हैं ये ड्यूक की हेडलाइट है मेन। अभी फॉग लैंप हम लोगों ने नहीं ऑन किया है, अब हम जलाते हैं फॉग लैंप। ये देखिए, और अब जलाते हैं हम दूसरा फॉग लैंप। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है फॉग लैंप लगाने से और विदाउट फॉग लैंप। ये जो आप देख रहे हैं अब ये विथ फॉग लैम्प और विथ हेडलाइट का है, तो इतना उजाला तो काफ़ी रहेगा, चाहे पहाड़ों की राइड हो चाहे हाईवे की राइड हो। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है नाइट राइड में हम लोग को। देखिए, हम लोगों ने इसका टॉप रैक लगा रहे हैं। मैं भूख लगी भाई भाई को भूख लग गई है, इस वजह से भाई जो है बोलने में गड़बड़ा जा रहे हैं।